नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार ब्रेकिंग राष्ट्रवाद, सीधे राष्ट्रवाद की धरती कोलकाता से लाइव। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। पिछले कई दिनों से मैं कोलकाता की अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं, हर तरीके से अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, बंगाली बहनों भाइयों से मुलाकात कर रहा हूं, चाहे रिक्शे की सवारी हो या ट्राम की सवारी हो या और भी किसी चीज पर, यानी टैक्सी की सवारी हो, लगातार मैं एक के बाद एक बंगाली भाई बहनों से मैं बातचीत कर रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी कवर की, मैंने ममता बनर्जी का रोड शो भी कवर किया, लेकिन हर जगह मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, वो शब्द है खेला होवे, खेला होवे। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तो वहां भी खेला होवे, आप तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाओगे तो वहां भी खेला होवे। आखिर खेला होवे है क्या, मैं समझना चाहता हूं और लगातार मैं बंगाली भाइयों बहनों के बीच में इस शब्द को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम मेरे सहयोगी ग्राउंड पर भी हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खेला होवे है क्या, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे राष्ट्रवाद की धरती कोलकाता से। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी सार, टीएमसी का खेला शेष। भारत माता की, जोर से छाप टीएमसी सार। खेला होवे निश्चय होवे। बंगाल का जनजन बोले खेला होबे। सुन लिया दीदी। बंगाल के जल थल नभ में गूंजे खेला होबे। तो बंगाल में बोलो खेला होबे। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होगा खेला होगा, मतलब लोग बोल रहे खेला होगा लेकिन बोल नहीं रहे कौन सा खेला। हम लोग भी खेलने के लिए रेडी है। खेला होगा, पब्लिक जब खेलेगा सबको उठा के खिलाएगा तब सीधा होगा। आज खुलेगा बंगाल में खेला का पूरा खेल। पब्लिक ने मन मनाया है, इस बार पलटी करना है। पूरा पश्चिम बंगाल नंदी ग्राम के ऊपर नजर खड़ा करके बैठा हुआ है। बंगाल में राष्ट्रवाद पूछे की खेला होगा। स्लोगन निकाले हैं जो खेला होगे, उनको ही टिकट नहीं मिला, उन्हीं के साथ खेला हो गया। फैमिली में दो तीनों एमपी हैं, तो 40 इयर्स में वो तो सब माखन के क्रीम तो खा लिया तो कैसे होगा था। लेकिन बीजेपी को आना है इस बार बीजेपी को आना है। दीदी साहब, बंगाल के रण में ये दीदी का उद्घोष है। नंदीग्राम के भीषण संग्राम में दीदी का ये चंडी पाठ भर नहीं है, ये समर से पहले की वो भूमिका है जो बता रही है खेला चालू हो चुका है। तो राष्ट्रवाद का पर्दा बंगाल चुनाव के पहले लेकिन सबसे दमदार अध्याय के साथ खुलता है। खेला आरंभ हो गए। आखिर बंगाल में उड़ते खेला होबे के बीज मंत्र का रहस्य है क्या? इस बार क्यों सोनार बांग्ला का माँ माटी मानुस दिल खोल कर कह रहा है खेला होबे। बंगाल की पब्लिक बोले खेला होबे, फेरी पर लोग बोले खेला होबे, ट्राम में कोलकाता बोले खेला होबे, चलते फिरते लोग बोले खेला होबे। सारा दारोमदार इसी खेले पर है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे,
टीएमसी का खेला है, बीजेपी का खेला है, कांग्रेस आईएसएफ वाम का खेला है और दूसरी तरफ बंगाली मानुष का रेला है जो कह रहा है बंगाल में भीषण खेला हो गया। अब जरा समझिए कि बंगाल का खेला है क्या। बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। ममता के तमाम सिपहसालार अब बीजेपी के पाले में हैं। परिवर्तन की हवा बंगाल में रफ्तार पकड़ रही है और नंदीग्राम में शुभेंदु ममता का खेला बिगाड़ने को तैयार बैठे। अपनारा बांगला दिबेन, अपनारा बांगला दिन, आर नंदीग्रामे माननिया के आमी हारा बोई। तो ममता किस आधार पे कह रही है खेला होबे, शुभेंदु किस प्लानिंग पर कह रहे हैं खेला होबे, वाम अब्बास और कांग्रेस का झाम कैसे कह रहा है खेला होबे, और बंगाल की अवाम कैसे कह रही है कि असली खेला एक खाने होबे, यानी असली खेला यहाँ हो। दरअसल ममता को तुष्टिकरण कार्ड पर भरोसा है, बीजेपी को तुष्टिकरण की कार्ड पर भरोसा है और कांग्रेस वाम को कट्टरपंथी अब्बास पर भरोसा है, और इसी भरोसे के दम पर खेला होबे की हुंकार भरी जा रही है। लेकिन सच यही है कि बंगाल का खेला अभी इतना आसान भी नहीं। ममता की मुश्किल तीन तरफा है, मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की मुश्किल, हिंदू वोट बैंक के दूर छिटकने की मुश्किल और नंदीग्राम में शुभेंदु की चुनौती की मुश्किल। ममता की तुष्टिकरण की सियासत किसी से छुपी नहीं। ममता बीजेपी के इन आरोपों से कितनी प्रेशर में है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नंदीग्राम के नामांकन से ठीक एक दिन पहले अपनी पहली सभा में नंदीग्राम में ममता ने माँ चंडी की स्तुति गाई और नंदीग्राम से अपने बचपन की यादों को जोड़ा। कुल मिलाकर नंदीग्राम में ममता ने इमोशनल कार्ड खेला। लेकिन बंगाल की पब्लिक बोल रही है असली खेला तो उसे ही करना है ताकि अगले 5 साल तक उसके साथ कोई खेला ना हो, और बीजेपी इसी भावना को और उभार रही है। राग केनो दीदी, अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है।